अभी चल रहे हैं भैया, सुबह के बज चुके हैं 5, कावड़ की पूजा करने चल रहे हैं। तो जी नहा धो के ऑल सेट। भाई साहब पैर इतने दर्द हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है मतलब पैरों में किसी ने लट्ठी लट्ठ मार रहे हो रात में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं, अभी चल रहे हैं अपनी कावड़ की पूजा करने और फिर आज शुरू करते हैं भैया चलना आज हमारा। देखो बाबा कहाँ तक खिंचवाते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग। चलो जी, पुरखा जी भी समाप्त होते हुए। चलो भैया उत्तर प्रदेश में आ गए हैं अपने, उत्तराखंड समाप्त। तो अभी चप्पल उतार दी है भाई साहब, पैरों का ऐसा हाल हो गया इसलिए चप्पल उतारनी पड़ी, अभी चल रहे हैं। तो अभी खा रहा हूँ ब्रेड पकौड़ा और एक माजा और थोड़ा रेस्ट करके फिर चलेंगे। लिटरली हालत इतनी ख़राब हो गई है ना, बहुत ज़्यादा पैर इतने दर्द हो रहे हैं, चीस रहे हैं पैर। भाई साहब मन कर रहा बाइक पर बैठो और चले जाओ, पर ये कर नहीं सकते। लेकिन फिर बाबा एनर्जी दे रहे हैं, बाबा पकड़ रहे हैं बाल और खींचे ले जा रहे हैं। इस वाले पैर में इतना पेन हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो अभी भाई साहब दवाई लगवा लेता हूँ, बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा, जान निकलने को है। भोलेनाथ सही कर दे बस। भाई जो वो पैर में दर्द हो रहा था एकदम जान दे वक्त, मैंने फिर पेन किलर ली थी, थोड़ा सा शांत हो गया था वो बेचारा, दब गया था। मैंने महादेव से कहा महादेव क्या करा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आ गया था मतलब ये हो गया था अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, महादेव प्लीज कराओ। फिर उन्होंने कराया, तड़ी तड़ तड़ी तड़ भागना शुरू कर दिया। तो गाइस अभी हम एंटर कर चुके हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में एंटर करने के बाद पहले हम रुके जिनमिल ढाबा, वहाँ हमने भाई चाय वाय पी और थोड़ा खाना वाना खाया, देन फ्रेश फ्रेश होके नहा धो के निकल गए भाई फिर से। अब हम रुकेंगे शिव चौक। तो चलो भाई चल रहे हैं, अभी गला बैठ चुका है जयकारे लगा लगा के और पैर इतने दर्द अकड़ गए हैं भाई, पैर लिटरली इतना पेन हो रहा है ना उसमें बहुत ज़्यादा। फिर भी पर बाबा शक्ति दिए जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं। जयकारे वीर बजरंगे, जयकारे वीर बजरंगे, बोल शंकर भगवान की एक ही नारा एक ही नाम, 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 एक ही नारा एक ही नाम। तो अभी हम पहुंच चुके हैं शिव चौक। शिव चौक की परिक्रमा करी हमने, एक राउंड लिया और अब हम चलेंगे सीधा आगे। भाई बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो गई अब तो, और पैरों के हाल देखोगे ना, देखो तो भी टाइम हो गया 7:15, अभी पूजा करेंगे। अभी धूपबत्ती बना लिए, सारे भोले तैयार हो चुके हैं, पूजा करने चलते हैं और फिर आगे का सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं। तो अभी पूजा कर लिया हमने, अब चल रहे हैं। अब देखो भैया बाबा की कृपा से कहाँ पहुँच रहे हैं। वैसे हमारा है कि हम आज कहाँ पे, वैसे तो है कि बाबा की कृपा से खतौली पहुँच जाएँ। देखो भैया बाबा, क्योंकि जो है बाबा कराएगा, हम तो कुछ नहीं करने वाले, हम तो बस चलेंगे, खींचने वाला बाबा है। तो चलो अब चलते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। अरे हरिद्वार की रहा मैं तलंबा पेड़ खजूर, तो उस पे चढ़ के देखिए तो भोले कितनी दूर, मेरी गंगे कांवड़ कांवड़ सब करें कांवड़ बड़ी कठोर, और तीन दिन रात में सगोटे तो अभी हम रुके हैं देव राणा के सामने। पैर में भाई सोते होते बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने अब ये लगा लिया है, तो देखते हैं फिर इससे कि कितना रिलीफ मिलता है, तब तक मिलता है। बाकी अब इसके ऊपर सॉक्स पहनूंगा फिर चलेंगे। भाई सब नींद में भी हो पाई पूरी, आज तो बारिश ने दिमाग खराब कर दिया बहुत ज़्यादा। हम सोए थे 2-3 घंटे।
पूरा मतलब आवाज निकल नहीं पा रही गली से, ऐसा सीन है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड भाई अभी टाइम हो चुका है 5:30 और हम 4 बजे के उठे हैं, चल रहे थे उस टाइम ब्लॉग नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, इसलिए आप कंटिन्यू करा तो चलो आगे का सफ़र कंटिन्यू। जय बोलो। तो गाइस अभी हम पियेंगे चाय, अब बिल्कुल भी दम नहीं रहा भाई साहब, नींद इतनी आ रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए चाय पीता हूँ। पैरों की सिचुएशन नहीं है इस टाइम, यहाँ पे यहाँ से यहाँ ये तो इतना पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इन बोलों की तो छाले पड़ गए। एक इस वाले में भी यहाँ पे यहाँ भी लगा रखा है इन्होंने, नीचे से भी अब वहाँ पे लगा रखा है। बड़ी गंदी हालत हो रही है, बहुत गंदी, टाइटनेस फेस पे ही है बहुत ज़्यादा। अब चलेंगे, अभी हमने चाय वाय पी लिया, यहाँ बैठे हुए थे, अब चलते हैं भाई आगे। भाई साहब इन भोले को देखना, भाई साहब इन भोले को देखना, बाबा कृपा करें इनका। तो भाई अभी लिया एक फ्रूटी, बॉडी थोड़ी हाइड्रेट करने के लिए, थोड़ी देर रुकते हैं फिर खींचेंगे। तो अभी खतौली हमने क्रॉस कर दिया था, फिर अभी हम रुके हैं ढाबे में, वहाँ पे भाई आए हैं क्योंकि इतनी टायर्डनेस ही हो गई, क्योंकि सुबह नहाए नहीं थे और ऐसे चल रहे थे पसीने पसीने, इतनी टायर्डनेस भाई साहब, टैनिंग इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा, 1 महीना लगेगा रिकवर होने में, और शरीर ऐसे टूट गया है बिल्कुल, पर चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने बलबूते पर नहीं चल रहे, बाबा हमें खींच रहा है। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर चलेंगे आगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सकोती, और भाई साहब धूप ने मामला पानी ख़राब कर दिया, इतनी धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है, फेस कवर कर रखा है गमछा गीला करके, भाई साहब इसने फेस नहीं दिखा पा रहा, बहुत ज़्यादा कड़क धूप एकदम, जिसे कहते ना एकदम तपी हुई, ऐसी आग बरस रही है भाई साहब। चले जा रहे हैं फिर भी रुक रुक के 20 मिनट चल रहे हैं, आधे घंटे चल रहे हैं फिर रुक रहे हैं, ये वाला सीन चल रहा है। 5:10 हो रहे हैं और धूप इतनी कड़ाकेदार हो रही है, बहुत तगड़ी, क्या तगड़ी टाइमिंग हुई है भाई साहब, महीना भर तो टाइमिंग निकालने में चला जाएगा। अब रुके हैं, एक मंदिर है यहाँ पे, करेंगे 2-3 घंटे रेस्ट और फिर मेरठ के लिए चलना शुरू करेंगे। थक गए भाई साहब, नीचे और दिए धूप में, पहले में लग रहा था बारिश बंद हो, अब लग रहा है बारिश ही होती रहती है। हमें तो आप दिखे सूख गए, बोले सही में सूख गए, ये हकीकत बात है, ना हमारे बस की चलना हो रहा था और ना हम कोशिश ही कर रहे थे, हम बस पेटे नीचे बैठ लिए थे, मगर बोले रोड तो मेरे को देखेंगे सारे कुछ टैनिंग, देख लो भाई साहब क्या हाल है, जहाँ पे कलावा बंधा हुआ वो वाइट बाकी ब्लैक, इतनी टैनिंग हो चुकी है, इतनी टैनिंग हद से ज़्यादा ही। चलो इसके लिए भी केयर करेंगे घर जाके, बहुत सारे नुस्खे हैं, सारे नुस्खे लगा डालेंगे। तो अभी मंदिर पहुंच गए, बैठते हैं रेस्ट करते हैं। जैसे हमारे भोले के गमोरी हो गई ना इनके, बिल्कुल ऐसी हुई, बढ़िया मेरे भाई साहब, बहुत कंट्रोल कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 1000 चीटें एक साथ चल रही हो। टाइम हो चुका 7:45 और अब हम मंदिर से निकल गए हैं, अपना नहा धो के एकदम अब रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब आज सुबह नींद पूरी नहीं हो पाई थी, तो नींद ज़रूरी थी, तब सोए आराम से 2-3 घंटे, अब नींद पूरी हो गई, अब अपना चल रहे हैं मेरठ के लिए। हे भगवान, शरीर का अंग अंग अकड़ रहा है, अंग, अब नहा धो के हम हो गए सेट, अब करते हैं अपनी कावड़ की पूजा और चलते हैं मेरठ, बाकी सबने पूजा कर लिया। भाई साहब मेरठ में देखो कितनी जनता है, कितनी, हे भगवान, भाई इन्हीं की वजह से हम चल पा रहे हैं, इन्हें देख देख के, वरना तो भाई साहब थक जाए। अभी
सारा भाई साहब बहुत अच्छा लगा, बाबा का प्रसाद, जय भोलेनाथ। अभी हम रुके हैं यहाँ पे, हमारे पांच बोले पीछे रह गए हैं, एक गेरे और एक गेरे, बाकी पांच पीछे रह गए हैं। तो उनका इंतजार करने के लिए हम यहाँ पर रुके हैं, इसमें हमारा रेस्ट भी हो जाएगा और वो इतना आगे जाएंगे। दो बोले और आ गए हमारे और तीसरे आए, एक और रह गए हैं, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई, उन्हें फीवर हो गया है, वो तो उनका इंतजार हमें ज़्यादा करना होगा, अब उनका इंतजार करते हैं। इतने भाई बॉडी एकदम अकड़ गई है, पूरी बैक पे घमोरियाँ हो गई हैं, ऐसे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक साथ हज़ार चीटियाँ चल रही हो। तो आज का श्रेय हमारा यहाँ पे होगा, भी व्यवस्था बनाने गए हमारे दो बोले, और इस वीडियो को करते हैं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थोड़ा पापी मगाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी।